नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। आपको बता रहे हैं कि अब शहरों के साथ साथ गांवों का विकास को रफ्तार देने का प्रयास योगी सरकार कर रही है और अब ग्राम सचिवों के हाथ में इतनी पावर दे दी गई है कि अब आराम से गांव का विकास जो है वो यहां पर होता हुआ नजर आएगा। गौरव, जिस तरीके से अब यूपी सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि गाँव के लोगों को और गाँव की रफ्तार को विकास की पटरी पर लाया जाए, किस तरीके से सचिवों के हाथ में ताकत रहेगी? देखिये, सचिव जो होता है ना वो गाँव का बड़ा प्रमुख है। अगर हम यू बात करें तो राजस्व का जो सबसे छोटा अधिकारी होता है, सबसे छोटा अधिकारी यू तो हम क्लेम करते हैं लेखपाल को, लेकिन लेखपाल के बारे में जो सबसे छोटा अधिकारी होता है ना वो सचिव होता है। सचिव के हाथ में बड़ी चीजें होती हैं। आपने देखी होगी कि जब चाहे वो कुटुंब रजिस्टर का नकल हो ग्रामीण स्तर पर या फिर जिस प्रकार खसरा खतौनी की बात हो, उन सारी चीजों में एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप देखे होंगे जिस प्रकार से योजनाएं चल रही हैं प्रदेश में या यूं कहेंगे देश में, तो ग्रामीण स्तर पर कई प्रकार की योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर ले, फिर मुख्यमंत्री की तरफ से बात कर ले, या फिर महिलाओं के विधवा पेंशन की बात कर ले, या फिर वृद्धा पेंशन की बात कर ले, इन सारी चीजों में सचिव की बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सचिव ही होता है जो लेखपाल को रिपोर्ट करता है, एक आकलन, एक ब्यौरा निकालकर कि कितने जो अभ्यर्थी हैं, मतलब जितने जो लाभार्थी हैं हमारे गांव में, उनका डेटा क्या है, उनकी किस प्रकार से उनका जो आर्थिक स्थिति है वो गाँव में क्या है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से ग्राम विकास विभाग की तरफ से, जो ग्राम विकास विभाग है उत्तर प्रदेश की तरफ से, जिस प्रकार से उनके आयुक्त की तरफ से इस प्रकार का नोटिस दिया गया है कि अब सचिवों की ताकत बढ़ा दी जाएगी। पहले जो ग्राम पंचायत स्तर पे ग्राम प्रधान के हाथों में होती थी कि जो लाभार्थी होते थे, जो ग्राम प्रधान का ग्राम प्रधान या यूं कहें कि BDC का दरवाजा हमसे खटखटाते रहते थे कि हमें इस लाभार्थी इस योजना में हम लाभ दे दीजिए, उस प्रकार से अब ग्राम पंचायत सचिव जो है वो इन पूरे लाभार्थियों की लिस्ट तैयार करेगा और वो अपने स्तर से अपने अधिकारियों को आगे भेजेगा, उस प्रकार से लाभार्थियों को उस योजना का लाभ मिल सकेगा। तो कहीं ना कहीं अब जो गांवों के विकास की रफ्तार है उसमें गति आती हुई मिल सकती है। निश्चित तौर पर आप देखिए कि जिस प्रकार से गांव के विकास की जो मूल कड़ी होती है ना, वो जो देखिए आपने देखो गांव कई कई मोहल्लों में ऐसे डिवीजन होता है, जो गांव होता है वो मोहल्लों से वो एक पूरे उस प्रकार से बना होता है। तो मोहल्ले वाइज आप देखते होंगे कि तबका होता है, गरीब तबका होता है, वो आपने देखा हो जब आप अगर आप कभी गांव की तरफ गए होंगे, अगर आप तो गांव से ही होंगे, आपने देखा हो कि एक आपको जब गांव में आप जब एंटर करेंगे तो आपको एक प्रकार की एक अलग प्रकार की छवि, एक जो संभ्रांत टाइप के लोग होते हैं उनका एक अलग तरीके का होता है, जो गरीब टाइप के लोग होते हैं उनका एक अलग अलग जगह पे घर होता है। आपने देखा जो दलित होते हैं, दलितों का घर हमेशा गाँव के दक्षिण इलाके में रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो पूर्वज हुआ करते थे, उनकी मान्यता थी कि जो पहले बीमारियां आए वो ऐसे दक्षिण की ओर से आती थी। तो इस प्रकार से एक कहानियां रही हैं कि वो ऐसे होते आएंगे। तो इन जब सरकार प्रतिबद्ध है कि लोगों की स्थिति सुधारने को लेकर, हमारे जो प्रधानमंत्री वो कहते हैं 2047 तक हम विकसित भारत बनाने के लिए, तो उस कड़ी में वो जो व्यक्ति विशेष की जो स्थिति है उसको भी सुधारने का प्रयास करते हैं। तो इन सारी चीज़ों में अगर हम देखें तो ग्राम सचिव का जो एक पावर बढ़ाने की तरफ से प्रदेश सरकार की तरफ से एक प्रयास किया गया है, वाकई ये बहुत अच्छा प्रयास है। कहीं ना कहीं गांव के विकास को रफ्तार, क्योंकि देखिए आपने कई बार ऐसा होता है कि जो लाभार्थी सही में होते हैं ना, वो गांव की राजनीति के चक्कर में उसके लाभ नहीं उठा पाते हैं। आपने देखो कई बार होता है कि जो गांव की राजनीति होती है वो रंजिश पे होती है, लोग कितने पुरानी चीजों को याद करके वोट देते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि जो सचिव होता है वो गांव का स्थानीय होता नहीं है, वो बाहर से आता है, तो उसकी कम से कम एक जो समानता का जो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निष्पक्ष तरीके से पूरा एक तरीके से विकास हो पाएगा, तो एक जो समानता का जो अवसर लाने की बात कही जा रही है ग्रामीण स्तर पर, उसको एक सटीक एक बढ़िया से प्रारूप बनाकर एक पूरे प्रोसीजर के तहत लाने के लिए सचिव को ये ताकत दी जा रही है। निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य सरकार की तरफ से। तो जिस तरीके से अब चाहे सड़क का विकास मान लें, गांव का कोई और भी विकास मान लें, सचिव के हाथ में पावर रहेगी तो जल्दी काम हो पाएगा। अभी फिलहाल जिस प्रकार से गांव में विकास विभाग की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई है, जो उनके आयुक्त ने अधिसूचना जारी की, उसमें सिर्फ जो ये ग्राम विकास योजना के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती हैं उसमें, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या वृद्धा पेंशन हो, इन प्रकार की चीजों में फिलहाल अभी सचिव को इतनी ताकत नहीं दी गई है कि वो गांव में खड़ंजा बनवा दे या फिर नाली नमदान बनाने की हैसियत में आ जाए। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से सचिव को ऐसे ताकत दिया गया, उसमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सचिव से सुझाव के राय मशवरा करने के बाद ही ग्राम प्रधान इस प्रकार का निर्णय ले पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये स्वागत कदम योग्य आप बता रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण है उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है इस मामले? देखिए ग्रामीण क्या है कि जिसे अब मैं कहता हूँ हमेशा दो गुट तीन गुट हर गांव में होता है, क्योंकि गांव की जो राजनीति होती है ना उसमें चौका चौकेली राजनीति होती है। वहाँ महिलाएं अलग वोट करती हैं, पुरुष अलग वोट करते हैं, बच्चे किसी और पक्ष में रहते हैं, वो व्यक्तिगत वोट होता है, जो व्यक्ति विशेष का वोट होता है। अगर आपसे लगाव है तो हम आपको वोट देंगे, हमारे पिताजी को अगर किसी दूसरे से लगाव, वो ऐसे वोट होता है। बहुत कम जगहों पर ऐसे देखा कि पूरा परिवार एक तरफ वोट देता है। तो वहाँ होता क्या कि जो राजनीति होती है वो रंजिश की होती है, क्योंकि
छोटा कुनबा होता है 800-900-1000-1500 की आबादी की राजनीति होती है, तो वहाँ की राजनीति अलग है। अब देखिए, एक पक्ष अगर ना खुश है दूसरा पक्ष खुश होगा, जो विपक्ष में वो खुश होगा कि हाँ चलो अब तो हमारी भी सुनी जाएगी। ऐसे इस रंजिश वजह से ना, गांव की राजनीति की वजह से कुछ लोगों को जो सही में लाभार्थी होते हैं, जो उस योजना के लाभार्थी होने चाहिए, उनको लाभ नहीं मिल पाता उस योजना का। इस वजह से कई बार ये होता है कि जो एक जो दुबार जिनको एक आपने देखा होगा कि कई बार ऐसी शिकायतें मिलती हैं आपको ग्रामीण स्तर पे कि एक व्यक्ति को कई बार आवास योजना दे दी गई है, तो इन प्रकार की जो शिकायतें ग्रामीण स्तर पे वो शिकायत अब धीरे धीरे उसमें कमी देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी आपने दी। तो फिलहाल देखिए, अब सचिवों के हाथ में जो है पावर लगातार देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जिस तरीके से पावर तो दी गई है, अब इस पावर का सदुपयोग जो है वो किस तरीके से होता है, और साथ ही साथ रूपरेखा गाँव की किस तरीके से बदलती नजर आएगी। ज्यादा खबरों के लिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म आप जरूर देखिए न्यूज नेशन। अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।